नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। अक्सर दोस्ती की आड़ में साजिशों का चक्रव्यूह रचा जाता है। कोई करीबी ही गुनाह की लकीर खींच देता है। सुबह जल्दी गांव का ही एक शख्स उसे कार में लेकर आया। जंगल में चार लोगों ने कार से उतारकर उसे गोलियों से भून डाला। सड़क किनारे खून से लथपथ उसकी लाश बरामद हुई तो इलाके में सनसनी फैल गई। क्राइम कंट्रोल में आज हम दिनदहाड़े कत्ल की इस वारदात से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की कुछ सुर्खियों पर। बुलंदशहर में कार सवार शख्स की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या। सड़क किनारे पड़ी मिली लाश, करीबियों पर ही हत्या का शक। मैनपुरी में युवती से गैंगरेप की कोशिश नाकाम रहने पर दरिंदों ने पीड़ित को बेरहमी से पीटा। आरोपियों की तलाश में पुलिस। और औरैया में तांत्रिक पर बच्चे की हत्या करने का आरोप। झाड़ फूंक के लिए घर आया था आरोपी, रात में बच्चे को अगवा कर किया कत्ल। सरकार अपराध पर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन अपराधी बेखौफ नजर आते हैं। शातिर कभी भी खूनी साजिश को अंजाम दे देते हैं। बुलंदशहर में एक शख्स को सारी राह गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस टीम बनाकर हत्याकांड की पड़ताल और आरोपियों की तलाश में जुटी है। सड़क किनारे खून से लथपथ पड़ी लाश और मौके पर जमा लोगों की भीड़। दिन दहाड़े कत्ल की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा कि शख्स की हत्या किसने और क्यों की। शख्स की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े वारदात से हड़कंप। शख्स कार से बीबी नगर के लिए निकला था, रास्ते में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उसकी हत्या की गई। हत्यारे बड़े आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। शख्स से कुछ दूरी पर ही उसकी कार भी खड़ी मिली। हैरानी की बात यह है कि ना तो किसी ने गोलियों की आवाज सुनी और ना ही हत्यारों को भागते हुए देखा। हत्याकांड के पीछे कौन है ये अभी साफ नहीं है। सुबह टेलीफोन आया था जी के ललित सिंह के गोली मार दी है और बीबी नगर एडमिट है। उसके आधे घंटे बाद टेलीफोन आया तो उनकी डेथ हो गई। जब आप यहाँ आए तो क्या आपने देखा, किस तरह से हत्या की गई है, कितने गोली लगी है उसको? नहीं, मैंने कुछ नहीं देख पाया जी, गाड़ी खड़ी थी उस टाइम, डेड बॉडी ली है। सरेरा कत्ल की वारदात बीबी नगर थाना इलाके के हिंगवाड़ा संपर्क मार्ग की है। शख्स का नाम ललित था और वो बाबूगढ़ थाना इलाके के गड़ी गांव का रहने वाला था। सुबह वह कुछ साथियों के साथ गाजियाबाद से आया था, रास्ते में उसकी हत्या की गई। सड़क किनारे लाश पड़ी होने की खबर मिली तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। कि हिंगवाड़ा और एक लेडी मार्ग पर, जो कि एक संपर्क मार्ग है ग्रामीण क्षेत्र का, इस पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर जब हमारी पुलिस वहां पहुंची तो वहां देखा गया कि एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है, जिसके शरीर पर लगभग 10-12 गोलियों के निशान हैं और लगभग 800 मीटर दूरी पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई है जो कि खुली थी। शख्स को 10-12 गोलियां मारी गई हैं, जिससे साफ है कि हत्यारों ने साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि कार में 3-4 लोग
और भी सवार थे जो ललित के साथ ही आए थे, वो लोग कौन थे और मृतक से उनका संबंध क्या था? इन तमाम सवालों की पड़ताल जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी से वारदात के पीछे का पूरा सच सामने आएगा। गांव का ही एक व्यक्ति है जो लेके इसको साथ में आया था, अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रयास चल रहा। अभी इसके चार साथी इसके साथ और थे ये पता चला है। अब वो साथी इसके कौन कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका क्या आपराधिक इतिहास है, इसके साथ इसके कैसे संबंध थे, ये विस्तृत रूप से गहराई से जांच की जाएगी तो ये सारे तथ्य निकल के आएंगे। घटनास्थल से सबूत जुटाकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सर्विलांस और फॉरेंसिक साक्ष्यों की मदद से हत्यारों की तलाश की जा रही है। पुलिस उस शख्स की तलाश में है जो उसे गाजियाबाद से लेकर आया था। परिजनों ने दो नामजद और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है, लेकिन वारदात के पीछे रंजिश की वजह अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। क्राइम कंट्रोल के लिए बुलंदशहर से नदीम खान, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन अंधविश्वास में अंधे लोग आज भी तांत्रिकों के चंगुल में फंस जाते हैं। औरैया में तांत्रिक ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। बच्चा कई दिन से बीमार था, लेकिन अस्पताल ले जाने की बजाय माता पिता ने गांव के ही तांत्रिक से झाड़ फूंक करवाई। बुधवार की रात तांत्रिक बच्चे को लेकर घर से फरार हो गया। अगले दिन बच्चे की लाश बरामद हुई। तस्वीर में नजर आ रहा 6 साल का मासूम अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसकी मौत के जिम्मेदार इसके अपने ही हैं, जो बेटे की लाश पर आंसू बहा रहे हैं। बच्चे के बीमार होने पर अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराने की बजाय परिवार तांत्रिक के चक्कर में फंस गया। दवाई देना आई थी थोड़ा, और परसों आई हुआ, कभी रात भर दिन भर रुकी, रात में लेके चली गई 1:30 बजे। एक बजे हमने अपने साथ लेटा हुआ था, और फिर हम 10-5 मिनट जगे, फिर हम सोए गए। फिर इन्होंने हमें जगाओ कि लल्ला कहाँ, हमने कि लल्ला पता नहीं, हुई परा है भू संगे भाई फैलो मंदे की खटिया खा ली, कोई नहीं मिलो हमें, फिर ढूंढने लगे सब। झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र की आड़ में तांत्रिक ने जो साजिश रची, उसने हर किसी को संग कर दिया। आरोप है कि रात करीब 1 बजे तांत्रिक बच्चे को लेकर फरार हो गया। अगले दिन रेलवे ट्रैक के पास खेत से उसकी लाश बरामद हुई तो कोहराम मच गया। 2 दिन से रोज सुबह शाम घर में झाड़ फूंक चल रही थी। बुधवार की रात तांत्रिक बच्चे के ही घर में सोया हुआ था। रात में वो बच्चे को लेकर कहीं गायब हो गया। परिजनों ने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। सुबह किसी ने खेत में बच्चे की लाश पड़ी होने की खबर घर वालों को दी। लाश के पास से फूल माला और बहुत सारी ऐसी भी चीजें बरामद हुई जिसे देखकर तंत्र मंत्र का शक जाहिर किया जा रहा है। आशंका है कि इसी के चक्कर में बच्चे की हत्या कर दी गई। हैरान कर देने वाली वारदात थाना फफूंद के आशा का पुरवा गांव की है। गांव में रहने वाले प्रमोद बाथम का 6 साल का बच्चा विमल बाथम कई दिन से बीमार था। बताया जा रहा है कि इलाज के बजाय घर वाले गांव के ही भगत नाम के तांत्रिक से बच्चे की झाड़ फूंक करा रहे थे। बताया जा रहा है कि एक बच्चा है 6 वर्षीय विमल सना प्रमोद बाथम, ये जिस व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित की गई बताई जा रही है। बताया जाता है कि वो झाड़ फूंक करता था, प्रेम भगत के नाम से फेमस था, और रात में इन्हीं के घर पे वो सोया हुआ था, उसी के पास ये बच्चा सोया हुआ था। लगभग 1:30 बजे गांव वालों को पता चला, उसके बाद उन्होंने पूरा आसपास ढूंढा लेकिन नहीं पता चल पाया। फिर सुबह 5 बजे के आसपास उसकी डेड बॉडी स्टेशन के ये रेलवे ट्रैक के आसपास पाई गई है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुटी है। आरोपी तांत्रिक गांव से फरार है, उसकी तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। तंत्र मंत्र के चक्कर में मासूम की जान चली गई। सवाल ये है कि आखिर लोग अंधविश्वास के चंगुल से कब बाहर निकलेंगे, कब तक इस तरह से तंत्र मंत्र के झांसे में लोग फंसे रहेंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए औरैया से अश्विनी वाजपेयी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बलिया में स्कूल जा रही बेटी को सरेराह चाकू से गोद डाला गया। सिरफिरा शातिर तो सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन बेटे की करतूत पर पर्दा डालते हुए आरोपी प्रधान पिता पीड़ित परिवार को लगातार धमकी दे रहा है। आरोप है कि केस वापस नहीं लेने पर आरोपी ने घर वालों को पूरे परिवार की हत्या की धमकी भी दी है। तीन आरोपी भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। नहीं, यहाँ बैठते थे, ये उन लोगों का जमीन है, वो लोग कहते थे वहाँ पत्थर डाले थे, वहाँ पे बैठते थे। उनके घर में सिर्फ लड़के हैं, हमारे घर में सिर्फ लड़कियाँ हैं, इसलिए हम लोगों को हमेशा परेशान करते थे। लाडली बेटी को खो चुका परिवार सदमे से उबर नहीं पा रहा। हर तरफ मातम और बेबसी का आलम है। मंगलवार के सुबह 12वीं में पढ़ने वाली रागिनी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया था। सिरफिरा शातिर और उसका साथी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दबंग आरोपी लगातार पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आलम यह है कि गांव का कोई भी शख्स दबंगों के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। हत्या करने के बाद जो आदमी बोल के प्रधान हमारे दबाए हो गया, पैसे का इतना दम है कि रुपया यहाँ से वहाँ तक पिछा के पुलिस को खरीद लेंगे जी। एक दिन पहले मेरी उसकी पत्नी को पुलिस ने ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बिठाया था, 2 घंटे बाद पुलिस छूट के आई पत्नी, गांव के लोगों के सामने स्टेटमेंट दिया कि पत्नी जब 2 घंटे बाद तो बेटा 2 दिन के अंदर बाहर आ जाएगा, आने के बाद देखा जाएगा। और इलाके के लोग भी इस समय अपने बच्चों को स्कूल आना जाना, हमने खुद अपने बच्चों को स्कूल आना जाना बंद कर दिया, बच्चे को स्कूल आने जाना नहीं दे रहे हैं। परिवार का आरोप है कि बेटी की हत्या के बाद ही आरोपी प्रिंस तिवारी के पिता ने घर आकर धमकी दी थी। प्रिंस करता आरोपी का पिता कृपा शंकर तिवारी ग्राम प्रधान है और दबंग भी। पैसे और पहुंच के दम पर उसने बेटे को छुड़ा लेने का दावा किया। रागिनी की बहन का कहना है कि आरोपियों के डर से गांव का कोई भी शख्स गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बहन को इंसाफ कैसे मिलेगा? आप लोग अपना केस वापस नहीं लोगे तो हमने एक मर्डर किया है, एक ही बार हमको तो फांसी होगी, अगर हम जमानत पे छूटेंगे तो दूसरी और तीसरी जो 2 बयान दे रही हैं उनका भी हम मर्डर कर देंगे। आखिर ये कौन कौन धमकी दे रहे हैं? उनके पिताजी दे रहे हैं और उनकी जो मतलब सोनू की जो बहन है उसके पति दरोगा है और जो नीलम है उन लोगों की तरफ। आरोपियों की धमकी के चलते पीड़ित परिवार दहशत में जीने को मजबूर हो चुका है। वारदात की चश्मदीद रागिनी की छोटी बहन ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया है। केस वापस नहीं लेने पर आरोपियों ने उसे भी मारने की धमकी दी है। परिवार की सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे माहौल में बच्चों का क्या हाल होगा? पूरा परिवार घर में कैद होकर रह गया है। पहले छेड़खानी, फिर सरेराह छात्रा की हत्या से सूबे में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पर चौतरफा सवाल खड़े हो रहे हैं। डीजीपी के सख्त निर्देश के बावजूद अब तक फरार आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? उसको कुछ हो गया तो हम आपके खानदान को बिन बिन के खा जाएंगे, मतलब जो गवाही दे रहा है उसको भी मार देंगे। और गाँव के लोगों का कहना है कि जब मेरी बहन का मर्डर हो गया और आके इनके घर किसी ने बाहर वाले ने खबर दी कि जिस लड़की को आपके लड़के ने मारा था वो मर गई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कहानी ख़त्म हो गई। तो उस आदमी ने बताया कि उसकी छोटी बहन है वो बच गई है जो कि बयान दे रही है, तो बोला कि उसको भी मार देना चाहिए।
आलम यह है कि आरोपी गवाही देने वालों की भी हत्या की धमकी दे रही हैं। धमकी की डर से कोई भी पीड़ित परिवार की मदद करने को तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो डीएम ऑफिस के बाहर धरना देंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए बलिया से संजय कुमार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। ऐसे अपराधियों के साथ कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए जो घिनौनी वारदात को अंजाम देकर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही। मैनपुरी में भी एक लड़की को खेत में ले जाकर गैंग रेप की कोशिश की गई। घटना सामने आने के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। बेसुध और बदहवास पड़ी ये लड़की अब तक उस घटना से सदमे में है। इसके साथ चार दरिंदों ने दरिंदगी की हदें पार करने की कोशिश की। ये किसी तरह हैवानों के चंगुल से बचकर घर पहुंची, लेकिन वो वारदात इसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही है। मुश्किल से होश में आने के बाद ये उस मंजर को याद कर फिर अपने होश खो बैठती है। युवती के साथ गैंगरेप की कोशिश, परिवारों के झगड़े में बनाया शिकार। युवती खेत की तरफ गई थी, वहां से लौटते वक्त रास्ते में कई लड़के आ धमके और उसे जबरन खेतों में दबोचकर जबरदस्ती करने लगे। लड़की ने विरोध किया तो आरोपी बौखला गए और उसके साथ जमकर मारपीट की। शर्मसार कर देने वाली वारदात भोगांव थाना इलाके की है, जहां लड़की बेशर्म दरिंदों की हैवानियत का शिकार बन गई। लेकिन पीड़ित ने हिम्मत नहीं हारी और अकेली ही इनसे भिड़ गई। इसके चलते हैवान अपनी नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एटिंग कर गया, उधर से उन्होंने हमें दबोच लिया। फिर हमारी टीम डली थी, वहाँ आगे जल्दी से उधर साइड में, फिर वहीं पर भरा था उन्होंने, भरा में ही डाल लिया है। एक लड़का मैन था, वही उसके ऊपर बैठ के कपड़े पर फट गए उसने, और साथ में थे इधर उधर सबने कोशिश की रेप करने की, और उनमें सबने पहचान भी ली है। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर पीड़ित घर आई और परिवार वालों को आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़ित परिजन पुलिस के पास गुहार लेकर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि युवती के साथ हुई हैवानियत दो परिवारों के बीच की लड़ाई का नतीजा है। परिजनों का भी कहना है कि एक परिवार से उनका जमीन को लेकर विवाद था, जिसके चलते उन्होंने ऐसा किया। बताया जा रहा है कि यादव और साख परिवार में एक जमीन का विवाद चल रहा है, जिसमें आज मुलाकात कर रहे थे। लड़की, उसकी माँ और लोग गए थे वहाँ पर। झगड़ा हुआ है जिसमें लड़की काफ़ी मारपीट कर दी गई है, उसके कपड़े फट गए थे। उसमें तहरीर दी गई है थाना में, और बातचीत किया जा रहा है और लड़की को इलाज के लिए भेजा गया। पीड़ित ने आरोपी लड़कों को पहचान लिया है। चारों पड़ोस के ही रहने वाले हैं। तीन के नाम धर्मेंद्र यादव, अशोक और दादा है। आरोपियों के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, क्या कार्रवाई कर रही है? मारपीट और छेड़खाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है और जल्दी इसमें अर्जी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित गांव के बाहर रहकर डीएलएड की तैयारी कर रही थी और छुट्टियों में अपने घर आई थी, लेकिन किसे पता था कि गांव आना बेटी को इतने गहरे जख्म दे जाएगा। जमीन की रंजिश में गैंगरेप जैसे जघन्य वारदात की कोशिश ने सभी को सन्न कर दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए मैनपुरी से मनोज शाक्य, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। वो पेशे से इंजीनियर थी और प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी, लेकिन इश्क में जब उसे धोखा और बेवफाई मिली
तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो इस कदर आहत हो गई कि फ्लैट में फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। पौश इलाके में सुसाइड की खबर से हड़कंप मच गया। सनसनीखेज घटना नोएडा के सेक्टर 62 की है। युवती के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पौश इलाके के अपार्टमेंट में युवती के सुसाइड की खबर से सनसनी फैल गई। आसपास के फ्लैट्स में रह रहे लोग भी सख्ती में आ गए। युवती सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और अपने दो सहेलियों के साथ फ्लैट में रहती थी। बुधवार की शाम घटना की खबर लोगों को उस वक्त लगी जब युवती की सहेलियां ऑफिस से घर लौटी। युवती ने फांसी लगाकर दी जान। प्रेमी की बेवफाई से थी आहत। युवती मूल रूप से पटना की रहने वाली थी। दो सहेलियों के साथ उसने अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। सहेलियां ऑफिस से लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार बेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो सहेलियों ने सिक्योरिटी गार्ड को इसकी खबर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गेट तोड़कर देखा गया तो अंदर युवती की लाश पंखे से लटक रही थी। यहाँ एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। लड़की तो शायद बिहार की थी और यहाँ कहीं इंजीनियर का काम कर रही थी। ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी को जो है 5:30 बजे सूचना मिली कि वहाँ से फ्लैट से फोन आया था, तो गार्ड ने जाके देखा तो मृतावस्था में थी। सनसनीखेज घटना सेक्टर 62 के शांति कुंज अपार्टमेंट की है। बताया जा रहा है कि युवती जिस कंपनी में काम करती थी वहीं काम करने वाले अंकुश गंदोत्रा नाम के युवक से उसका प्रेम प्रसंग था। 2 साल से दोनों के बीच संबंध थे, लेकिन प्रेमी अंकुश अब किसी और लड़की से शादी करने जा रहा था। आशंका है किसी बात से आहत होकर उसने जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। सेक्टर 62 के शक्ति कुंज अपार्टमेंट, ये 3 सहेलियां मिलकर के इन्होंने एक फ्लैट किराए पे लिया था, उसमें रहती थी। आज उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। उसके फादर बिहार में इंजीनियर हैं, उनको खबर कर दी गई है। युवती के पिता भी पटना में विद्युत विभाग में इंजीनियर हैं। घर वालों को खबर देकर पुलिस आगे की जांच में जुटी है। सुसाइड नोट में भी युवती ने प्रेमी की बेवफाई की बात लिखी है। युवती ने लिखा है कि अंकुश से उसके 2 साल से प्रेम संबंध थे। इस दौरान वो एक बार प्रेग्नेंट भी हो गई। उसे पता चला कि अंकुश अपने परिवार की मर्जी से किसी और लड़की से शादी कर रहा है। उसने अंकुश को कई बार शादी के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। इसी बात को लेकर वो कई दिन से परेशान थी। हाँ, वहाँ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उस लड़की का एक लड़के पर एलिगेशन है। ये सब जांच का विषय है और उनके फादर के आने के बाद उनकी तहरीर मिलने पर सुसाइड नोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन सब के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कंपनी से आरोपी प्रेमी के बारे में जानकारी हासिल कर ली गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए नोएडा से शिव त्यागी, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। मुजफ्फरनगर में 60 साल की महिला का शव जंगल में संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है। मृतका के परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। दुपट्टे से महिला का गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
फिलहाल पुलिस अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही गई। संभल में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले 2 बीडीसी का अपहरण कर लिया गया है। पवासा ब्लॉक प्रमुख पद के लिए उपचुनाव का ऐलान हुआ, जिसके लिए वोटिंग 12 अगस्त को होनी थी। पुलिस ने दोनों बीडीसी सदस्यों की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। रुद्रपुर में छेड़खानी को लेकर एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि युवक ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। युवक पर जमकर लात घूंसे बरसे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ किस तरह से युवक की धुनाई कर रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले में शिकायत मिली है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में एक मजदूर जोशियाड़ा पुल से भागीरथी नदी में कूद गया। लोगों ने मजदूर को कूदते देखा तो शोर मचा दिया। गनीमत रही कि नदी के तेज बहाव के वजह से मजदूर किनारे पर पहुंच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस मजदूर को अपने साथ थाने लेकर गई। बताया जा रहा है कि मजदूर नशे की हालत में था। पुलिस उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की। मजदूर नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। कौशाम्बी में सरकारी आवास से अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सहरी इलाके की कांशीराम कॉलोनी में शराब का ठेका खोला गया था। कई दुकानों को लाइसेंस भी मिले हुए हैं। शराब की दुकानें खुलने से आम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कौशाम्बी पुलिस का कहना है कि शिकायत मिली है और जाँच के बाद दुकानें हटवा दी जाएंगी। बलिया में एक तरफा इश्क में छात्रा की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है, तो मैनपुरी में युवती से गैंगरेप की कोशिश की गई। बेटियों के साथ ऐसी हैवानियत शर्मसार कर देने वाली है। तमाम कोशिश के बावजूद बेटियों के खिलाफ अपराध नहीं थम रहे। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।